जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुन्ना आया नहीं अब तक। भाई आपका मुन्ना बच्चा तो है नहीं कि आप उसकी इतनी चिंता करें। देर रात आप अलमारी ठीक कर रही हैं, इसका मतलब आप जरूर किसी उधेड़ बुन में पड़ गई हैं। जब भी आप परेशान होती हैं ऐसा ही कुछ करती हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? गायत्री जी बात क्या है, क्या सोच रही हैं आप जी? कोई बात नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी और आप तो जानते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ, तो सोचा आप साड़ियाँ ही समेट लूं। मैं भी यही सोच रहा था, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, सुख है, शांति है, इतना सुंदर परिवार है, बच्चे हैं, लायक बेटा है, त्योहार है, त्योहार की खुशियां हैं, भाई इससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। फिर भी आज शाम से मैं देख रहा हूँ आपको, आप कुछ परेशान, बात क्या है बताइए तो। कोई बात नहीं है, वर्षा के बारे में सोचकर परेशान थी, मुन्ना आ जाता तो सो जाती। सब उलझ गया। गायत्री जी ये तो चंद धागे हैं जो उलझ गए हैं, जीवन की कोई जटिल समस्या तो है नहीं, और अगर हो भी तो उसका सामना अगर हम धैर्य के साथ करने की कोशिश करें ना तो वो भी सुलझ जाते हैं। सुलझाना तो पड़ेगा। लगता है मुन्ना आ गया। बहुत देर लग गई बेटा, मिठाई ले आया? हाँ हाँ, वो नहीं माँ, मिठाई नहीं मिली। मैं आगे गया था बंसी जी की दुकान पर, लेकिन वहाँ भी मिठाई खत्म हो चुकी थी और आते हुए काफी ट्रैफिक भी था, इसलिए देर हो गई। माँ मैं जाकर सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी जाना है, मीटिंग है। अक्षरा चाय। गुड मॉर्निंग दादा, आपकी चाय। माँ ने भिजवाई है खास अपने लाडले बेटे के लिए।
अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको जाना भी तो है। माँ नाश्ता तैयार कर रही है। ठीक है। पता नहीं अक्षरा मेरे साथ जाएंगी भी या नहीं, कहीं उनका मन बदल गया तो। अक्षरा प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। सबके सामने जानबूझकर मुझसे पूछा, पता था मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती हूं लेकिन। अक्षरा ये क्या बेटा, अभी तक तू तैयार नहीं हुई, ले चाय पी ले। देखिए तो मायके में आकर कैसे ठाट से बैठी है, और मैं हूँ कि सुबह से तैयार हूँ, बैग भी रख लिया और छोर बचा कर शौर्य को भी उठा दिया। वर्षा में तो आज बहुत फुर्ती है, सुबह से सारा घर सर पे उठा रखा है, थर्मस दे दो, शॉल निकाल दो, और हाँ आज तो दूध और लड्डू भी खुद ही मांग के खा लिया। वैसे इसका ये जोश देखकर मुझे लगता है तू सही कह रही थी, वर्षा को कहीं घूम कर आना चाहिए, खुश है ना। चल बेटा उठ, जमाई से आते ही होंगे, छोटी तुम सबके लिए नाश्ता बना रही है, वर्षा को बाहर का कुछ नहीं खाना है ना, इसलिए मैं सब सामान रख देती हूँ। तेरे लिए शॉल भी रख लिया। क्या हुआ, चलना नहीं है कहीं? ऐसा तो नहीं नैतिक जी की वजह से तू भी नहीं चलना चाहती? पागल है क्या तू भी, ना कुछ भी बोलती है, मुझे अपनी सहेली के साथ घूमने जाने का मौका मिल रहा है, क्या मैं इसे गवा सकती हूँ? चल मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुक रुक रश्मि, बेटा टिफिन तो लेके जा। बाय भाभी माँ। बाय माँ। बाय दादा। बाय। इस फाइल में डिजाइन और सैंपल रखे, लेटरहेड है तुम्हारे पास? जी बाबूजी। मोदी जी से सारी बात अच्छे से कर ली है? जी दादा जी, मैं जाता हूँ। मुन्ना जाता हूँ नहीं, आता हूँ, बोल बेटा। जी। अच्छे से काम करके लौट आना। जी मुन्ना। अरे खुश तेरा काम सफल हो जाए। चल ठीक है बेटा, खुश रहो, खूब मेहनत करो। जी माँ कहाँ है? मुन्ना बेटा मुझे मंदिर छोड़ दे, बात करनी है तुझसे। जी चलिए। कौन से मंदिर जा रही हैं आप? राधे कृष्ण मंदिर। लेकिन वो तो अलग पड़ेगा, मुन्ना उस रास्ते से नहीं जाने वाला। हाँ बाबूजी, माँ मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। तो कोई बात ना, छोटी दुल्हन हमारे साथ चले जावेगी। जी। मुन्ना तू जा। हाँ हाँ हम छोड़ देंगे आपको। नहीं बाबूजी, मैं ही माँ को छोड़ते हुए चले जाऊंगा। नहीं बेटा तू रहने दे, तुझे काम में देरी हो जाएगी, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तू जा। जी। और मुन्ना पहुंचने के बाद फोन करना। बेटा जी एक ही गाड़ी ले जाओगे ना? जी बाबूजी सब साथ में जाएंगे। ठीक है, बोला सब कुछ अच्छे से देख लेना, गाड़ी चेक कर ले। जी जी भी ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा वाटर कूलर जाएगा क्या? अरे इसमें वर्षा के लिए उबला हुआ पानी है, तुम लोग बोतल का पानी पी लेना, जा रख दे। जी।
अरे वर्षा बेटा दवा रख ली है ना? दीदी अब तक आप 10 बार पूछ चुकी हैं। क्या करूं? बच्चे हैं कहीं जल्दबाजी में भूल ना जाए। अक्षरा आई नहीं? दादी वो तैयार हो रही है। सुबह सुबह निकलोगे तो अच्छा है, ट्रैफिक कम होगा। अब अक्षरा ही तेरा ध्यान रखेगी। अरे मेरी प्यारी माँ मैं भी तो हूँ ना। हाँ हाँ पता है तू है। अरे वैसे धीरे धीरे क्यों चल रहा है? स्कूल का वक्त हो गया ना? पर माँ मुझे स्कूल नहीं जाना ना। अरे तू फिर से शुरू हो गया? आज तेरा टेस्ट है ना? मेरा प्यारा सा बच्चा आज चला जा, हम घूमने फिर कभी चले जाएंगे, ठीक है? अंशु टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हुकम गाड़ी देख ली अच्छे से और सामान भी रख दिया, लेकिन पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं बोला भैया, सब लोग मेरी गाड़ी में जाएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सबका सामान मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। जी जमाई सा, हम अभी कर देते हैं। बोला। हाँ। जी जमाई सा सारी तैयारी हो गई? जी जमाई सा आप विराजिए, मैं अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, बस हम जल्दी से निकलते हैं नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। हाँ। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, हाँ, सब तैयार। वर्षा तो सुबह से तैयार है, ये अक्षरा पता नहीं क्या कर रही है। अक्षरा अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं वो बस सुबह से कमरे में बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है। बुलाती हूँ। अक्षरा। माँ मैं लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जा देख। जमाई साहब आप विराजिए ना, आइए। अरे हाँ आइए बैठिए ना। नहीं नहीं अगर बैठेंगे तो और देर हो जाएगी। जमाई साहब आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं क्या? पहुंची बस कुछ नए डीलर्स हैं। अक्षरा बेटा इतनी देर क्यों लगाई? कुछ नहीं माँ, वो बस क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अरे भाई चलो चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ चलो चलो। वर्षा बेटा ज्यादा भाग दौड़ मत करना, इनकी चिंता तो कभी खत्म ही नहीं होगी। चलो बेटा बैठो। ठीक है ना? चल। अरे अक्षरा तुम जमाई सा के साथ आगे बैठो यार, वर्षा आराम से पीछे बैठते हैं। आओ। आराम से जाना। आइए। सर थैंक यू सर। हाँ सर मैं अभी ऑफिस आके आपको डिटेल्स देता हूँ। यस सर ओके। अरे स्वीटहार्ट कमाल हो गया, आपको याद है अब मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग मिस हो गई थी है ना, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया था, मेरे बॉस ने वो प्रोजेक्ट मुझे दिलवा दिया है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। बताइए उस दिन बनता हुआ काम बिगड़ गया था, अब सब ठीक है। आप भी कितना दुखी थे, अब तो खुश। स्वीटहार्ट क्या सोचने लग गई? अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए,
आप सुना भी रहे हैं और मुस्कुराने को भी कह रहे हैं। मतलब कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं तो इसमें आपने सुनाने की बात कहां से निकाल दी? मोहित, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना था और आप कह रहे थे कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन नंदनी, वो बात तो अलग थी। आपने ये भी कहा था ना कि मुझे समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे नहीं समझेंगे मोहित, तो कौन समझेगा? फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या बनता है? आपने मुझे किसी से बात करते हुए सुना, लेकिन आप जो समझ रही हैं ऐसा नहीं है। मैं किसी और वजह से ये सब कह रहा था। किससे बोल रहे थे? वो नंदनी, देख मैं नैतिक जी, आपने अक्षरा को ठीक से देखा भी है या नहीं? मैडम ने तैयार होने में काफी वक्त लगाया है, कैसी लग रही है? अब बता भी दीजिए ना। ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओए ओए, क्या बात है एक्स्ट्रा ब्लशिंग। अरे नैतिक जी, इसी बात में एक शेर याद आ गया। जी इरशाद जी, कि हमारी पलकों को हर वक्त आपका इंतजार रहता है। वाह 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 वाह, थैंक यू। आगे, हमारी पलकों को बस आपका इंतजार रहता है, दिल के किसी कोने में बस आपका प्यार रहता है, और गुजर रहे हैं रात दिन आपकी ही याद में, बस अब तो हमें हर वक्त आपके आने का इंतजार रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। आइसक्रीम आइसक्रीम ऐसो नदी जी, प्लीज रोकिए ना। कितने दिनों बाद आइसक्रीम वाला दिखा है। छोटी मेवे लिखी, काजू किशमिश, बादाम भी। जी गोपी, ऐसा कर पूजा के सारे बर्तन इमली के पानी में, हाँ, और चमक जाएंगे। और गोपी दादी, भोला से कहिएगा कि सारे बर्तन गोदाम से निकाले, सब धुलेंगे। अच्छा जी। अरे गायत्री बहन, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आई बिराजी। क्षमा चाहती हूँ, बिना बताए चली आई। पास ही में मंदिर आई थी तो सोचा वर्षा की तबीयत भी पूछ लूं। बहुत अच्छा किया जो आप आए। सब कुशल मंगल। छोटे जय माता। बाल गोपाल की कृपा से वर्षा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा हवा पानी बदल जाए इसीलिए घूमने के लिए भेज दिया, और अक्षरा की भी यही सलाह थी। जी ये बहुत अच्छा किया आपने। अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। अक्षरा भी उनके साथ गई है ना? आपको आपको बताया होगा ना? हाँ बताया। चलिए ये अच्छा हो गया कि जमाई सा सबको अपने साथ ले गए। जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम भी हो जाएगा और सबका घूमना फिरना भी। अक्षरा से पूछा तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। बल्कि कल रात यहाँ बातें चल रही थी कि वर्षा को थोड़ा घूम आना चाहिए, तभी जमाई सा आ गए। उन्होंने कहा कि सब साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनका काम भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। जी गायत्री बहन, आपको आपको पता तो होगा ना? हाँ, नैतिक ने बताया था मुझे, बस ध्यान से बात निकल गई। कल इतनी जल्दी में इतनी ढेर सारी बातें हुई ना, और
नैतिक भी घर देर से लौटा और आज सुबह जल्दी से निकल गया। बच्चों को तो आप जानती हैं, जल्दी जल्दी में सारे काम करने होते हैं। चलिए, वर्षा की तबीयत पूछने के बहाने आपका आना हो गया। वैसे वर्षा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी कमजोरी हो गई थी। अच्छा बैठिए ना, बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।